जबलपुर कांग्रेस के द्वारा राजधानी भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन एवं विधानसभा के घेराव करते हुए कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। राजधानी भोपाल में सहारा इंडिया के लंबित भुगतान की लड़ाई में निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ जबलपुर एवं प्रदेश के प्रत्येक जिले से आए हुए सहारा निवेशक एवं अभिकर्ताओं के साथ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया एवं विधानसभा घेराव करने जाते हुए हजारों की तादाद में निवेशकों ने गिरफ्तारी दी। विधानसभा घेराव में पूर्व मंत्री विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया, विधायक हर्ष गहलोत, विधायक राकेश परमार एवं विधायक विपिन बानखेड़े के साथ ही अभिकर्ता हितकारी संघ जबलपुर के संरक्षक सौरभ नाटी शर्मा और जबलपुर मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू शामिल हुए। अधिक जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। साथ लाने के लिए जादू खरीदे जाएंगे और बारिश के लिए आंसू खरीदे जाएंगे और बेच दोगे एक दिन चांद तारे और सारे दिए और फिर कहोगे उजालों के लिए जरूर खरीदे जाएंगे। ये उस्मान सत्ता की सरकार है और ये सुब्रतों की राय के सामने फूटने टेक चुकी है। होना यह था कि सरकार अपने स्तर पे सहारा की पूरी संपत्ति को अटैचमेंट कर वोट जो करता देखा जाएगा, लेकिन सरकार का राजधर्म क्या बनता है, सरकार में बैठे लोगों का राजधर्म क्या बनता है, ये आपके हक की लड़ाई है और कांग्रेस का पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है। ये बता रहा हूं आपको इसके पहले के सदन में। ये जो बेशरम भाजपा के लोग हैं, ये लाइट बंद कर सकते हैं, लेकिन जो पीड़ित जनता है उनकी आवाज को बंद नहीं कर सकते। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज वर्तमान में जो स्थिति है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है कि ये जो करोड़ों लोगों के भुगतान की लड़ाई है, ये करोड़ों लोगों के पेट से जुड़ा मसला है, इसको कैसे हल करना है। हमारे जबलपुर में हम लोग निरंतर 2-2.5 साल से इस आंदोलन को चला रहे हैं। जब सहारा के ऑफिस खुले थे तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसमें भुगतान दिलाने का प्रयास करा था, लेकिन 4-6 माह से उनके ऑफिस भी बंद है। उनके जो आ रहे हैं वो घर से काम करते हैं, तो हम लोग उनको घर पे भी छोड़ने का काम नहीं करते। यहाँ पर बात हो रही थी राजनीतिक दलों की, निसंदेह ये हमारे मंच का विषय नहीं है राजनीति। हम जिस मंच से, भले ही हम एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम जिस मंच से बात कर रहे हैं ये हमारा विषय नहीं हो सकता। हमारा विषय सिर्फ ये है कि हमारा भुगतान वापस कैसे हो, लेकिन हम इस बात से भी नजर नहीं फेर सकते, लोकतांत्रिक देश है, हम इस बात से भी नजर नहीं फेर सकते कि कौन सा राजनीतिक दल हमारी समस्या के लिए गंभीर है और कौन सा राजनीतिक दल हमारी समस्या का लाभ उठाते हुए अपनी जेबों को गर्म करने का काम कर रहा है। और ये साफ दिखता है, ये साफ दिखता है, जो ना समझ गई है उसको समझ में आता है कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि छुपी हुई समस्या है। ये इस देश के सबसे बड़े आर्थिक घोटाला है, सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है, और जिसने घोटाले को अंजाम दिया है वो खुली हवा में घूम रहा है। कोई भी राज्य सरकार उसको अंदर नहीं करा रही, कोई केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको जेल में डाला जाए।